स्पीकर सर, एमएसपी एमएसपी विद लीगल गारंटी स्पीकर सर. द इशू इज एमएसपी विद लीगल गारंटी, नॉट जस्ट एमएसपी. एमएसपी इज बीन गिवन. द इशू इज किसान्स वांट एमएसपी विद लीगल गारंटी विच यू आर नॉट रेडी टू गिव देम. तो किसानों में आपने डर डाला, भय डाला, महिलाओं में महंगाई, गैस सिलेंडर, सेना में अग्निवीर, हर व्यक्ति के लिए आप लोगों ने भय का कोई ना कोई पैकेज दिया, गिफ्ट दिया, तोहफा दिया. स्टूडेंट्स की बात करते हैं. Yes, yes. जो आप 2000 साल पहले की बात करते हो, थोड़ी सी भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं. रोजगार तो आपने खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी, जो आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म करके. युवाओं को आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अग्निवीर उनके लिए आपने दे दिया, वो खत्म कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया. पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया. और अब एक नया फैशन निकला है, नीट. नीट प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है. नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम. नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सेलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता. सिंपल सी बात. नीट का पास मार्क 22% है. वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर अलाउड, पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है. कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं. और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक. प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी. और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं. इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं. सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता. तो ये हालत है, जहां भी ये देखते हैं ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें. माइनॉरिटीज को डराते हैं. नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो. हिंसा, नफरत माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ. और माइनॉरिटीज ने क्या किया, माइनॉरिटीज ने क्या किया, हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं. पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं. और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई. तो शिवजी कहते हैं, शिवजी कहते हैं सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने, सर वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया. देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य. ये देखो, एक मिनट देखा सर आपने, एक मिनट ये सर, मैं प्लीज एक मिनट सर, मैं सर इतना कहना चाहता हूँ,
मैडम सुधीर प्लीज नहीं ये ठीक नहीं है नो नो नहीं एक मिनट प्लीज प्लीज एक मिनट आप प्रतिपक्ष के नेता हैं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि सदन की गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, नियमों का पालन हो। आप खुद मानते हैं शिव जी को भगवान और उनको बार बार इस तरीके से यहाँ पर चित्रित करना ये उचित नजर नहीं आता मुझे लगता है। स्पीकर सर देखिए रूल्स की किताब पढ़ोगे आप? रूल्स में है कि आप कोई भी चित्र को नहीं दिखा सकते सदन में, आप किसी बात का नाम नहीं ले सकते, आप नियम प्रक्रियाओं से नहीं बोल रहे हैं। सदन की मर्यादा नियम प्रक्रिया इससे चलती है, आपने बनाया, सबने बनाया। स्पीकर सर सर, माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 356 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अगर कोई सदस्य स्पीकर साहब के ध्यान में लाने के बाद इररिलेवेंट और लगातार किसी विषय को बार बार दोहराता है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस सदस्य को निर्देशित करके रोक सकते हैं। आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए। सच्चाई को रोका नहीं जा सकता। हाँ बोल, ये इमीडन बोलो, रूल्स बोलो। अच्छा इनको रूल्स पे चलने दो। हाँ बोलो इमीडन जी, रूल में नहीं है ये, अब रूल में नहीं है। 349 में कोई चित्र दिखा सकते हैं? चलिए बताइए रूल। हाँ सुनिए, सुनाओ आप इनको। सर 3492 फिर आपकी भी सुनाओ। व्हाइल हाउस इन सिटिंग अ मेंबर शैल नॉट इंटरप्ट एनी मेंबर while speaking by disorderly expression or noises or any other disorderly manner. Sir, in the same way, sir, number bolo. Sir, 349 sir, while the house is in sitting, two shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or any other disorderly manner. Their family supports them financially, emotionally. And the truth is that NEET students today do not believe in the exam. Because they are convinced that the exam is designed for rich people, not meritorious people. I have met a number of NEET students, every single one of them tells me that the exam is designed to create a quota for rich people and to create a passage for them into the system, and is designed not to help poor students. Now isse bhi bahut dar hota hai, mahino padhai karte hain, ये पता नहीं कि भैया एग्जाम लीक हो जाएगा नहीं होगा, अगर पास भी हो गए तो पैसा कहां से आएगा। तो उधर भी इन लोगों ने भय डालने का काम किया। तो जहां भी ये देखते हैं ये भय डालते हैं, सेना में, युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में, डिसेबल्ड में भी। और मैं ये भी कह सकता हूं कि सिर्फ बाकी हिंदुस्तान में भी नहीं, मगर अपनी पार्टी में भी भय है।
आपकी पार्टी में डर है, भय है, सच्चाई है। देखो आप, अब आप चिल्ला नहीं रहे हो, अब आप शांत हो, अब बिल्कुल शांत हो, सच्चाई बोल दी, चिल्ला नहीं रहे, चुप। क्योंकि आपकी ट्यूनिंग डायरेक्टली प्रॉब्लम क्या है, आप चिल्ला भी नहीं सकते क्योंकि कनेक्शन नहीं। सर मैं बोल रहा हूँ, सर समझा रहा हूँ, स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ।